आखिर मकबूलपुर के दरमियान चलता हुआ कहा जीता है मकबूलपुर में और पहले जो है शाहपुर को जिला मजदूर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो पहली गेंद लात किया है जो जा रही है लांगन के क्षेत्र में वहां पर सुंदर जरूर मौजूद है एक रन के यहां दो रन होता हुआ यहां पर मुकाबले पर रोशनी डालेंगे मतलब मजदूर ग्राम शाहपुर के दरमियान मुकाबला हो रहा है लात किया है छह रन के लिए छह रन के साथ आठ रन कार्ड जीता है कैप्टन का ही कमेंट्री पर संपर्क करें जागापुर अभी टीम बैठी हुई है देखते हैं इसके बाद हो सकता है इसके बाद भी हो सकता है तो शुक्रिया इस वक्त बड़ा मुकाबला चल रहा है मजदूरपुर और शाहपुर के बीच का जीतकर इतिहास बनाया था इस ग्राउंड पर अगली गेंद लेकर बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को उठा दिया है फील्डर क्या है उसके नीचे क्या कैच होगा और पकड़ लिया है वहां पर कैच को के सामने मेरे ख्याल से पहला नुकसान होता हुआ स्कोर जो है स्कोर बोर्ड पे 12 रन और पहला वक्त शुक्रिया देखेंगे जब बिहार बल्लेबाजी करेंगे चले सलमान बहुत अच्छी गेंद इस बार लेकिन चोट हुई है ये जा रही है नजदीक बाइक तैयार आ रहा है एम्पायर का और रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने 14 रन पहला ओवर चल रहा है महंगा साबित हो रहा है ये पहला ओवर सलमान छक्का लगा देते हैं ऐसे खिलाड़ी सलमान चले बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार उठा दिया है और बहुत अच्छा प्रयास बहुत अच्छी कोशिश वहां पर कैश ड्राफ्ट जरूर हुआ है लाभ जरूर मिला है यहां पर कैश ड्राफ्ट होने का मजदूरपुर टीम को लेकिन जो प्रयास था वो बहुत ही लाजवाब यानी 22 ऑफ के क्षेत्र से गेंद को दौड़ने का प्रयास किया एक ओवर की समाप्ति पर 16 रन हाथ का बल्लेबाज सामने है विकेट कीपर है खिलाड़ी गली के स्थान पर पॉइंट सर्कल के अंदर है इस बार हवा में है और सीधे चली गई है सिरी के खिलाड़ी के हाथ में ये दूसरा उपास है कंपनी की तरफ से हैंड बैग बहुत ही प्यारा संगीत के बहुत ही खूबसूरत सत्ता होगा वाइट का इशारा अंपायर मोहम्मद हाशिम का अपने ऊपर आने देते हैं चलिए जैसा बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद और स्टंप के बाहर सवाल करते हुए बल्लेबाज जरूरत है अगर इस मुकाबले को जीतना है शाहपुर टीम को चले इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में बैक टू द बॉल ड्राइव किया था फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने का प्रयास लेकिन जूझ हो गई थी विकेट कीपर वाले छोर में थ्रो गया लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर दो रन पूरा कर लिया थोड़ा सा सुस्ती दिखाई फील्डर ने उसका नुकसान होता हुआ शाहपुर टीम को रनों की जरूरत है इस समय चले जैसा शॉर्ट ऑफ रन गेंद थी लेकिन स्टंप पर उतर कर खेलने का प्रयास ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई एक रन पूरा किया है और थ्रो हुआ और दूसरा रन भी पूरा कर जाएंगे बल्लेबाज दो रन आसानी के साथ पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने स्कोर 22 रन या 50 रन पर जाएगा और हम शुक्रिया अदा करते हैं कस्बा राहुल के फेसबुक पेज का जो इस मुकाबले को लाइव दिखा रहा है इस बार ये जारी है डीप बॉलिंग बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद लेगी स्टंप के लिए वर्क पान मसाला टू बार ड्राइंग कंपनी इस गांव के प्रधान श्री राम लखन जी और उनके पिता पूर्व प्रधान मंत्राज जी और प्रवेश दिनकर लंबा रमत है सड़क वाले छोर से दौड़ना शुरू किया है बाएं हाथ से ओवर का स्टंप लाएंगे हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आती हुई गेंद लगातार मैं देख रहा हूं मजदूरपुर के बल्लेबाजों के लिए परेशानियां खड़ी करती है एक रन पूरा किया है दूसरे रन के लिए निकले हैं दूसरा रन भी पूरा अब तीसरे रन का रास्ता तय करना है और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया है इस तरह की फील्डिंग नुकसान करेगी शाहपुर टीम का स्कोर जा पहुंचा है इस समय अगर बात की जाए तो 29 रन पहली गेंद पर तीन रन आता हुआ टीम में डूबी बाउंड्री लाइन के नजदीक चले अगली गेंद लेकर बाएं हाथ से वह दर्शक इस बार उठा दिया है ऊपर गई है गेंद उसके नीचे आ रहे हैं खिलाड़ी और कैच कर दिया जाएगा वहां पर एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस पर विकेट जा रहा है शुरुआत बहुत अच्छी मिली मजदूरपुर टीम की तरफ से जहां पहले ओवर में 17 रन आए दूसरे ओवर में आए 9 स्कोर पहुंचा था 36
और इस ओवर में अभी तक स्कोर है 32, यानी जितनी गेंदें फेंकी गई है अभी तक बाद 3 रन आया है उसके अंदर खिलाड़ियों को देखा गया। चले बाय हाथ से होते हैं पक्की हुई है, इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज हुई सीमा रेखा के बाद विकेट कीपर और रिलीज से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर मोहम्मद हासिम का, यानी अभी मात्र 18 गेंदों का खेल है और ऐसे में हर गेंद को फिर भी समझ कर खेलने का प्रयास करते हैं बल्लेबाज। इस बार ड्राइव जरूर किया है दामन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, 20 गेंद हुई, 1 रन पूरा किया और जब तक खड़ो करते दूसरा रन भी पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने करना है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सल्यूट है आपको अपने ग्राम समाज टूर्नामेंट में अपने गांव में आपने अपना देश कुंजी वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और वह पान मसाला तुलवास एंड कंपनी बाएं हाथ का ये गेंदबाज ऑलराउंडर की भूमिका निभाता है अपनी टीम के लिए। इस बार गेंद जो खेला है गेंद जा रही है शॉर्ट मिडिल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, जैसे ही देगा ये टप्पा खाने के बाद उछाल ले रही है मेडल और लेग स्टंप पर, अपने आप को फ्रेंड फुट में कमेंट कर लिया था बल्लेबाज ने वासप चले अगली गेंद लेकर इस बार उठा दिया है लेकिन मौजूद और फिर से एक बार कैश को ड्रॉप किया गया, ये कमजोरी लगातार दिख रही है साहब टीम की तरफ से क्योंकि कैश को लगातार ड्रॉप किया जा रहा है, कई मिसफील्ड हो रही है स्कोर 42 और वर्क यहां पर समाप्ति होती हुई मुकाबला था और बल्लेबाज शायद सोच रहे थे कि 4 ओवर का मुकाबला है तो 45 रनों की जरूरत, 43 रनों पर जीत है। गेंदबाज का नाम कैप्टन मधुनपुर, आवाज नहीं आ रही है, आप अपना स्ट्राइक खिलाड़ी भेजिए या खुद आकर बताइए, नहीं आ रही आवाज सुनाई नहीं दे रहा भाई। बिहार के लिए खेल की जमावट विकेट कीपर स्टंप के नजदीक, दो सिर्फ एक पॉइंट एक कदम और एक खिलाड़ी खड़ा है मेरा पहली गेंद बाएं हाथ से खेलने का प्रयास, यानी पूरी तरह से बात चले गए और बल्लेबाजी में एक हैरत अंगेज चीज होती है, वो होती है टाइम, इनके पास टाइम होता है। अगली गेंद अब साफ जुड़ रहा है, अब साफ क्या कहेंगे ऐसे बल्लेबाजी पर, पहला बार 3 गेंदें फेंकी गई, पहली डाक दो छक्का दोनों दिवस का ताज बाएं हाथ का बल्लेबाज कैसे लगाना है छक्का, क्या कहेंगे रिहानी बल्लेबाजी पर, बिल्कुल शुक्रिया मधुर तुम्हें बता दो कमेंटेटर कोई भी हो खिलाड़ी से मिलाप करता है तो साइन की बात है, उस खिलाड़ी के अंदर क्षमता होती है और बिल्कुल आपका जो अनुमान है आपने जो नाम दिया है मतलब का बिल्कुल उसी अंदाज अंपायर के पास या फर्टी होगी उसको नोबॉल करा दिया जाएगा। इस मत रिहान के लिए इस मरतबा डाउन का ग्राउंड खेला है, 1 रन का मौका था आसानी के साथ छोर को बदल लिया है, अब आगमन हो रहा है टूपाल एंड कंपनी जनाबे शादाब साहब की तरफ से और 100 रुपए का इनाम जो है वो मिस्टर साहब की तरफ से है। अगली गेंद को खेला है गेंद जारी है इसका नंबर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, सलमान के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ मैं बात कर रहा था तो हम लगातार 4 चार लगाया है मतलब इस टूर्नामेंट में जनाबे शादाब साहब ने एक पिच लॉक किया है गेंद जारी है गेंद के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन जो 43 रन 23 रन 43 के लौटे यानी कि 12 के तो की ऊपर 20 रन की जरूरत और इस वक्त चतुराई दिखाई गेंदबाज ने, गेंदबाज का नाम तो नहीं आ पाया हम तक चालाकी दिखाई है यहाँ पर गेंदबाज ने जैसे ही देखा स्ट्रोक के लिए जगह बना रहे खूबसूरत लेवल से का इनाम आया है जनाबे आसमान साहब आपके लिए आप पाता आपके लिए खूबसूरत रन दो की स्कोर है 43 की ड्रॉ में 43 रन जी है जीत के लिए रिहान के लिए और या नहीं इसका फैसला आना बाकी।
चार छक्का है उसमें कोयल का कंबाइन ने छक्का लगाया था। मैं सोच रहा था ऐसा कोई छक्का मारता है भाई, चार सी मारी फेंके बाहर गए। एक और चौका या फिर तीर मजबूर होगी आने वाले वक्त देना होगा। चिल्ला है राहुल लाख राहुल लाख आपके क्षेत्र में लगभग एक्स्ट्रा कवर की तरफ यहाँ पर फील्ड किया गया। दोनों धन्यवादों इस बात का किया चतुराई देखिए इस बल्लेबाज की। पहली गेंद पर छक्का सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि गेंदबाज के दिमाग से भी खेलते इस बार जीत लिया। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी रही रहा की। मैं एक बार फिर से शुक्रिया कर रहा हूँ लत पार मसाला कूपाज एंड कंपनी का। बहुत सारे टूर्नामेंट लत पार मसाला और कूपाज एंड कंपनी के सपोर्ट से चलते हैं। यह अलग चीज है कि मैं टूर्नामेंट में नहीं जाता, मेरे पास इतना समय है नहीं, लेकिन मैं ये बखूबी जानता हूँ कि कूपाज एंड कंपनी लत पार मसाला ने ग्राम सभा टूर्नामेंट हो या ऑफिस टूर्नामेंट हो बहुत बड़ा योगदान दिया है सारा भाई ने और इस तरह से इस मुकाबले को जीत लिया है साहसिक टीम ने। और मेरा तमेश कौर होंगे अभी इस गोरख हमारे बताएंगे मिस्टर रेहान। मेरा तमेश तूफान एंड कंपनी और फैजी मोबाइल एक्सेसरीज की तरफ से और आपका